नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा खासा टेलीफोटो लेंस चाहिए होगा जो आपके लिए एक पोर्ट्रेट शॉट अच्छा लाए, मून फोटोग्राफी अच्छा सा कर दे, बर्डिंग भी हो जाए और आपका जो भी छोटा मोटा मैक्रोज या क्लोजअप प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो होते हैं वो भी हो जाए, तो समझ लो आपको उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये, आप समझ सकते हो। अगर आप उतना इन्वेस्ट भी कर देते हो उसके बाद भी आप उस चीज़ को एक प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, समझ लो एक रेंज का 4-5 हज़ार का कोई लेंस ले लिया तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होता है। कैसा लिमिटेशंस, कि आपको एक लिमिटेड या फिक्स्ड रेंज में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब आपको आपको ऑब्जेक्ट को इतने फीट दूरी पे ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रॉपरली फोकस करेगा। उसके बाद बहुत सारे ट्राइपॉड्स वगैरह की जो भी चीज़ है वो भी अरेंज करना होगा आपको, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। क्यों, उसमें बहुत सारे जो मतलब मूवमेंट्स होते हैं, नॉट इजी टू फोकस होता है, ये चीज़ थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसी रेंज में थोड़ा सा और देखिए, अगर आप एक लाइफ टाइम चीज़ ले सको जैसे कि यह कैमरा, वो भी न्यू कंडीशन में, तो कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो कैमरास होते हैं, मैं DSLR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोज्यूमर कैमरास के। प्रोज्यूमर कैमरास क्या होता है, DSLR पे आप देखते होंगे यहाँ पे जो शटर जो चीज़ होता है वहाँ से आप लेंस को रिमूव कर सकते हो और आपको अलग अलग लेंस लगाना पड़ता है। जैसे कि पोर्ट्रेट के लिए समझ लो बेसिक सा 18-55 जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बर्डिंग या मून फोटोग्राफी करना चाहते हो अच्छे तरीके से तो आपको उसके लिए टेली लेंस लेना पड़ता है, क्लोजअप के लिए मैक्रो लेना पड़ता है, वो भी बहुत कॉस्टली हो जाता है और नॉट इजी टू सेटअप भी ऑल द टाइम होता है। लेकिन ये जो कैमरा होता है इस पे आप लेंस को रिमूव नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इसके अंदर से जो चीज़ निकलता है, जो लेंस निकलता है, वो ही सारे काम अकेला कर देता है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो टेलीस्कोप या टेलीफोटो लेंस होता है सो कॉल्ड, मोस्टली सभी चाइना में बिल्ट होता है, ये मेरे को भी पता है आपको भी पता है, जो टेलीफोटो लेंस होता है तो ढंग का जो लेंस होता है वो मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल बात है। मैं पहले लाता था 12x, वो भी अभी डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये है निकॉन का कूलपिक्स का L810 कैमरा। आपको पता है हम लोगों ने बहुत सारा जो मैक्रो लेंस है वो सोल्ड किया है पूरे इंडिया में या ग्लोबली, आप बता सकते हो बहुत सारे लोग इसका दीवाने हैं, ठीक है। तो उसी लेंस का मतलब जो लेंस बनता था वो ये कैमरा से बनता था। लोग डाउट में रहते थे कि DSLR से बनता था वो लेंस, नहीं DSLR नहीं है, ये एक प्रोज्यूमर कैमरा है। प्रोज्यूमर मतलब जो सेमी SLR होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जूम कैमरा के नाम पे भी जाना जाता है। थोड़ा सा क्लोजअप पे आके मैं आपको दिखाऊंगा इसका थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू। इस लेंस के साथ आपको एक ऐसा निकॉन का एक कैप मिल जाता है जेन्युइन, जो यहाँ पे फिक्स रहता है, देख सकते हो। कैप का कंडीशन भी प्रॉपर न्यू है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, कैप जो है वो चाइना का है, इसका प्रिंग भी बेहतरीन है। और यहाँ पे आप देखेंगे 26x ऑप्टिकल जूम वाइड है, 26x आपको जूम जो है मिल जाता है। ये क्या है, इससे आप जूम को एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। बाहर अंदर बाहर अंदर एक करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सेम चीज़ आप इससे भी कर पाओगे, ये जो जूमिंग है इसको घुमाओगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ओके। और ये ही है शटर, इसको प्रेस करोगे तो शटर हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये ऑन ऑफ का स्विच है, बाकी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेंस का जो नाम है कूलपिक्स L810, ठीक है। इसका फिज़िकल ओवरव्यू आप चेक करो, थोड़ा डिटेल में मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी स्क्रैच या डेंट आपको नहीं मिलेगा, ये ब्लैक मैट में या ब्लैक मैट फिनिश पे आता है। कैसा कलर है आप इसका देख सकते हो, कोई भी स्क्रैच डेंट कुछ भी नहीं है, प्रॉपर न्यू लाइक कंडीशन, कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं खुला है, एकदम न्यू है, सब ओरिजिनल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो स्टिकर ये भी नहीं उठा है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे
बैटरी का ऑप्शन होता है। इसको ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, देख सकते हो 1 2 3 4 चार बैटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख के नीचे जो ऑप्शन है प्लस माइनस लिखा हुआ था, ये माइनस ये प्लस है, जैसे लिखा हुआ रहता है वैसे डालना होता है। यहाँ पे एक एसडी कार्ड होता है, ऐसे मैं टोशिबा का एसडी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको प्रेस करके लगाना होता है, फिर इसको यहाँ से प्रेस करके ऐसे डालना होता है। तो अभी ये हो गया अपना काम एसडी कार्ड का। यहाँ पे आपको फ्लैश का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, फ्लैश ऐसे दबाओगे, कोई भी ऐसा नहीं कि पुराना चीज़ है तो स्लो आता है, देख लो एक बार, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पीकर का कुछ ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो लाइट है वो मिल जाता है, ठीक है। और ये पूरा लेंस है आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, निकोर 26 वाइड ऑप्टिकल जूम, ये ऑप्टिकल जूम है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था वो आप देख लो। ग्लास में सबसे बड़ी बात है, ग्लास में आपको कोई भी जो स्क्रैच है, डेंट है, फंगस है, कुछ भी नहीं मिलता है, पूरा न्यू लाइक कंडीशन है। ये जो थोड़ा सा डस्ट देख रहे हो, ये मैंने बाहर से, मतलब बाहर वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, मतलब विंडो से डस्ट जो आ रहा है, बस बाकी इस पर एक पॉइंट भी स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है, पूरा न्यू है। मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ग्रिप का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो एक ग्रिप का ऑप्शन है, ये जो लेदर का पूरा चीज़, सॉरी रबर का पूरा चीज़ है। तो चलो कैमरा को थोड़ा ऑन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैमरा को ऑन किया, यहाँ पे वाइट लाइट ब्लिंक हुआ, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे देख रहे हो चूज़ टाइम डेट का जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके ओके, ये सब आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो, मेरे को जस्ट ओके ओके कर देना, यस कर देना। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ग्रीन का, ये प्रेस करने की बात कर रहे हैं, करते ही कैमरा रेडी टू यूज़ है, ठीक है। इजी मोड पे यहाँ पे चार मोड मेरे को मिल जाते हैं, 1 2 3 4, ये ऑटो मोड है, ये स्मार्ट पोर्ट्रेट है, और यहाँ पे ढेरों जो मैनुअल है वो मिल जाता है, ये देख लो आप, एक सेकंड। यहाँ पे पोर्ट्रेट का, ये लैंडस्केप का, यहाँ पे स्पोर्ट का, नाइट पोर्ट्रेट, आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। क्लोजअप यानी मैक्रो का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, फूड वगैरह फ़ोटो, और बहुत 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 सारे। अगर आपको आपका पेट है जो, मतलब जो पालतू होता है वो पेट का भी पोर्ट्रेट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। पैनोरामा एंड 3D का भी जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपोज़र को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से आप मैक्रो वगैरह का ऑप्शन ऑन कर सकते हो, यहाँ पे टाइमर दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मेनू का जो ऑप्शन है डायरेक्टली खुल जाता है, तो फिर आप इजीली हैंडल कर सकते हो। वीडियो का भी यहाँ पे ऑप्शन जो आपको मिल जाता है, मूवी ऑप्शन, आप यहाँ पे 720p पे जो फोकस, मूवी ऑप्शन जो है वो आप 720p पे हाइट खींच सकते हो, HD पे होता है, ठीक है। और कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे फोकस का भी जो ऑप्शन है, फुल टाइम फोकस, सिंगल ऑटो फोकस। और यहाँ पे सेटिंग पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे बहुत सारा जो, यहाँ पे आप वेलकम स्क्रीन पे भी कुछ फोटोज़, कूल पिक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम दिया गया है कूल पिक्स। मैं अगर करता हूँ, आप कोई भी इमेज जो है अपनी गैलरी से खींच के यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही हाईटेक कैमरा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा नॉइज़ आप देख सकते हो बाहर, तो हम इस कैमरा का जो जूम है वो टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। पीछे आप देख लें, यहाँ पर जो बाइक खड़ी है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर, ठीक है, जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो हम इस बाइक पे फोकस करने की कोशिश करेंगे,
और यहाँ पे वो जो दूर पे जो घर है उस पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कि कितना दिखा जाता है। तो यहाँ पे जो क्या बताता है जो फ्लैश है उसका कैसा क्वालिटी है वो दिखा देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डार्क है रूम, बाकी विंडो जो है वो खुला हुआ है। ये जो स्विच है मैं दबाऊंगा इसको तो ओपन हो जाएगा, तो फिर दिखा देगी कैसा आता है। अभी देखो आप फ्लैश का पावर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट बल्ब है मैं उस पर फोकस करने की कोशिश करूँगा, देख सकते हो। थोड़ा सा हाथ हिल रहा है, हाथ नहीं हिलाना है। तो फोटो देख सकते हो, दोनों फोटो, एक फोटो है। ठीक है, पूरा प्रोफेशनल लेवल का जो फोटोग्राफी है वो आप कर सकते हो इससे। दोस्तों यहाँ पे जो पत्ता है आप देख सकते हो, ये जो पत्ता है थोड़ा सा इस पर मैं यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करूँगा, फिर देखता हूँ कि कैसा जो आउटपुट है वो आता है। आप देख सकते हो पूरा DSLR लेवल का जो ब्लर है वो दिख रहा है। इससे आप अच्छा खासा जो फोटोग्राफी है वो आराम से कर सकते हो अपने मतलब जो भी चीज़ है उसके साथ। थोड़ा और जूम प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे। वहाँ पे जो दूर पे वो जो दूर पे जो पेड़ है नारियल का उस पर हम यहाँ से जूम करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा लेता है। ठीक है, रखते हो नॉर्मली, तो यहाँ पर जूम करते हैं। और भी कुछ सैंपल शॉट्स होंगे तो मैं डाल दूंगा आपको, फिर भी आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा वेट कर जाओ। ये जो आप देख सकते हो पेड़ का फोटो कितना डिटेल्स के साथ है। एक और फोटो लिया था शायद, ये जो आप देख सकते हो। सारे फोटोज़ में डाल दूंगा, आप देख लेना कैसा है वो बता देना। ठीक है, कैमरा का थोड़ा सा जो जूम टेस्ट है वो कर लेते हैं अभी 2-3 फ्रेज में। तो वहाँ पे जो आप देख रहे हो उस जगह पे एक खजूर है, खजूर का पेड़ है,
तो उस पे हम इस कैमरा से फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसा जो जूम है ये कर सकता है। ठीक है, तो हम फिर से ऑन कर लेते हैं कैमरा को और करते हैं जूम। अब देख सकते हो एक, अभी मैं हाईएस्ट पे नहीं गया हूँ, नॉर्मल, तो इस पे कुछ ऐसा दिखा रहा है। मैं फ़ोटो डाल दूँगा आपको। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा और हाई जूम कर लेते हैं, पूरा फुल फ्रेम कर लेते हैं। ये जो लिमिट आप देख रहे हो इसे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा, ये लाजमी है, लेकिन उसके बाद कैसा आता है वो भी दिखा देंगे।